राइट एंड ये क्या है टीम्स ओके स्काउट यहाँ पे प्रोन आउट हो चुका है, हाइड्रा ब्रिटमा नॉक डेड, स्काउट भी यहाँ पे नॉक डाउन हो चुका है, जोकर ने जोकर फिनिश भी करेगा शायद स्काउट को वहाँ पे उस रॉक के पीछे, वो थ्राटोस भी यहाँ पे नॉक डाउन हो चुका है बहुत ही प्यारा, हाइड्रा के प्लेयर संभाल सही रहे, बिश्मा नॉकडाउन हुआ था उसको भी रेव मिल जाएगा यहाँ पे, बट आईएनडी की टीम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव लग रही थी, बट उनको भी अनएक्सपेक्टेड था शायद जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ पे डासिया रोकी थी, क्रेटोस फिनिश डेड, स्काउट फिनिश डेड, दलजीत एंड ट्रांस दो बचे हैं बस, आई थिंक दे शुड फॉल बैक इस सिचुएशन से जैसे निकले थोड़ा कूल डाउन हो यहाँ पे, बिकॉज एलईएफपी का भी स्क्वाड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है उनको, हाइड्रा के टीम्स यहाँ पे दे आर ट्राइंग की थोड़ा बहुत स्मोक बॉल्स बनाए एंड जो क्रेट्स वहाँ पे थी आईएनडी की टीम की वो लोग भी उठे, आपका गॉड के यहाँ पे नॉकडाउन हो सकता था ट्रांस का अच्छा स्प्रे था वो M4 का, ओए ओए गॉडल फिलो नॉकडाउन हुआ है, असैसिन भी नॉकडाउन है, दो बंदे बचे हुए हैं गॉडल डेविल्स एंड गॉड, हाइड्रा की स्क्वाड बहुत ज्यादा एक्शन दिखा रही है यहाँ पे इनिशियली ही फाइट में, एंड ये एकेएम का आयरन साइज यहाँ पे यूज करा था गॉडल डेविल्स ने, बट आइडियली यहाँ पे रहते हैं कि एक या दो थ्रोएबल्स फेंको एंड जैसे हाइड्रा की टीम यहाँ पे यूज कर रही है, डेविल्स देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं सिचुएशन में, बट ही कैन डू सिर्फ एक बंदा यहाँ पे नॉकडाउन हुआ था बस, पता नहीं वो कौन सा प्लेयर था, आई एम डैम श्योर उस वाली साइड में कोई भी नहीं है, नॉकडाउन है मेगा लियो यहाँ पे, एक नॉकडाउन एक ग्रेनेड यहाँ पे वर्क कर सकता है सीएसपी टीम के लिए, बट फ्री फायर चला ही जा रहा है यहाँ पे मेगा फाइनल बॉस के लिए, फ्री फायर बहुत ज्यादा वर्क करेगा एंड देयर यू कैन सी ग्रेनेड यहाँ पे यूज कर रहे हैं मेगा फाइनल बॉस, एग्जिस्टेंस सामने वाले ऑपोजिट साइड वाले रूम में गए, बट स्टेयर से अभी भी प्लेयर्स आ रहे हैं धीरे धीरे एंड नीचे शायद वो सीएस के प्लेयर रेव दे सकते हैं अपने जो उसका नॉकडाउन हुआ था प्लेयर, ये तो पूरा ही गलत रास्ता बिकॉज चारों अलग अलग रूम में हैं प्लेयर्स, बिकॉज ऑफ दैट फाइनल बॉस वहां पे प्री फायर कंटिन्यू रख रहा है तो थोड़ा बहुत डैमेज तो आप जब एंटर करोगे रूम तभी ही आपको डैमेज पड़ जाएगा एट द सेम टाइम, उसको मार क्या हुआ सीएस फाइट यहां पे है स्टेयर्स पे, धीरे धीरे वो लोग ऊपर बढ़ रहे हैं एंड सिर्फ एक प्लेयर वहां पे शायद सीएस एग्जिस्टेंस जो था उसने शायद थोड़ी सी जल्दी करी थी बिकॉज एक साइड पे थी, ट्रेन को कौन मारा पूरी की पूरी मेगा की टीम को कौन मारा, मेगा का शैडो जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, कान भी जोन में जा रहे हैं, बट सीएस का टीम सीएस की टीम शायद पूरी एलिमिनेट हो चुकी है वहां पे, स्कल के जो प्लेयर वहां पे जो लोन कंपाउंड के वहां पे उन लोगों ने होल्ड करा था, तो मेगा का एक जो प्लेयर है मेगा शैडो वहां पे नॉकडाउन है, ब्रॉलर फ्रॉस्ट के पास यहां पे ओम है, आईएसओ के दो प्लेयर नॉकडाउन है, अब इनको ही देखो ये वाली कार जो है दो कार इनको बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल आएगी बिकॉज बर्स्ट करके रखो एंड लिटरली इतना कवर में हेल्प करेगी, आप ओपन में सिर्फ एक पेड़ है आपके पास बट कितना ज़्यादा कवर प्रोवाइड करेगी वो, मैच थिएटर ने यहाँ पे इवल के एक प्लेयर को नॉकडाउन करा, केव शार्क को उसको शायद रेव देगा पीछे, एक ही रॉक के पीछे पूरी टीम जिंदा है, अब कहीं से भी पड़ सकती है आपको फ्रॉम हियर एंड देयर, शार्को ने यहाँ पे एक नॉकडाउन करने के लिए ग्रेनेड फेंका था बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, बट स्मोक बॉल देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, ओआरबी ने क्या सही पासिंग बनाई यहाँ पे, स्कल वाई के लिए बैरल स्प्रे यूज करा था बट जैसे ही रीलोड में गया स्कल का एक और प्लेयर आके वहाँ पे एडवांटेज लिया, ओके सिल्वेस्टर ने वहाँ पे पूरा फिनिश करा उसको, स्कल की टीम अभी भी स्ट्रांग जा रही है इस वाले मैच में, मजा आएगा देखने में, ब्रॉलर के चार प्लेयर जिंदा है, सारी टीम के चार प्लेयर जिंदा है, सिर्फ टीम प्लेयर मैक्सिमस अल्फा के जिंदा है, ओआरबी के दो हैं, हाइड्रा का एक, पेन स्पोर्ट्स का एक है, मेगा का एक बंदा है, ओआरबी गाटक यहाँ पे M4 का क्लच कर रहा था बट एट द एंड ZFX किंग ने वहां पे कवर फायर दिया, दैट वाज रियली मेरे को लगा कि 1v2 कर गया गाटक, इवल की यहाँ पे फाइट चल रही है, मेरी टीम DMR चल रही है बहुत ज्यादा अपनी स्किल्स को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स, सो दैट दे आर यूजिंग DMR, बोल्ट एक्शन बहुत कम देखने को मिलेगी, फ्रॉस्ट यहाँ पे ओम यूज कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में शायद क्या पता है एक अच्छा खासा चांटा देखने को मिल जाए किसी के हेड पे पड़े वो शॉट जाके अगर फ्रॉस्ट चलाए तो, ओम की यार वो जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहती है, जैमटी है यहाँ पे, इवल जैमटी
ZFX का पूरा स्क्वाड वहां पे है, ZFX का स्क्वाड आई थिंक अच्छी पोजीशन में है वो लोग, बट थोड़ा सा जोन के अंदर आना है उनको। 14th टीम दैट इज ब्रॉलर्स। ओके ये वाला ग्रेनेड बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, कुक करके भेजा उसने, बहुत प्यारा। दो प्लेयर इस वाले ग्रेनेड से नॉकडाउन हुए थे, बहुत प्यारा ग्रेनेड था वो, मैक्स ओमेगा का। अब ये लोग पुश करेंगे, एज यू कैन सी एक प्लेयर अकेला बचा, बट पीछे से किल स्टील हो गया उनके आईएसओ से, और ये नॉकडाउन भी होगा। आईएसओ की टीम यहाँ पे फायदा लेगी मैक्स का जो ग्रेनेड था, बट इवेंचुअली आईएसओ को किसने फोड़ा यहाँ पे? इविल केव शार्क ने भी वहाँ पे सिमिलरली सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, उनकी जो नॉर्मल कार वहाँ पे जो पार्क थी उसको पूरा बोस्ट करा। इविल के सिर्फ दो प्लेयर्स बचे हैं, जेंटी और एक इविल केव शार्क को। आईएसओ के भी एक प्लेयर बचा, सिर्फ आईएसओ अलादीन बचा है। आईएसओ अभी भी नॉकडाउन है, कांट डू एनीथिंग, बहुत ज़्यादा दूर है। ब्रॉलर का स्क्वाड मेरे को लग रहा है इस वाले जोन में ज़्यादा अच्छा खेल पाएगा, बिकॉज चारों प्लेयर जिंदा है सबसे पहली बात। उनके ZFX का स्क्वाड भी बहुत अच्छा खेल रहा है, उनके पास भी अच्छा रिज है खेलने को, वो रोड साइड से नीचे देख सकते हैं सबको जो भी प्रोन है। पेन का एक अकेला बंदा बचा हुआ है सर्वाइविंग, कल आशीष नॉकडाउन हुआ है। LEFB एनको ने नॉक करा, LEFB पैराडॉक्स ने कल का पूरा स्क्वाड शायद से निपटा दिया। जॉनेथन आखिरी में उसने फिनिश करा, ZFX पियानो का फिनिश करा LEFB पैराडॉक्स ने। DP28 बहुत सही बनाया, सिमिलरली 47 बुलेट्स रहते तो उसी सेम स्प्रे में आप उसको फिनिश भी कर सकते हो। ओके हाइड्रा बिश्मा यहाँ पे अकेला बचा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे उसने बहुत प्यारी बनाई है स्मोक बॉल्स की, एंड डैमेज पड़ेगा अब थोड़ा सा और आगे जाके, स्मोक में जाके प्रोन हो सकता है वो, ये और भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। इनफैक्ट अब फर्स्ट एड पॉप करने का टाइम मेरे को नहीं लगता है उसके पास। ओके इनफैक्ट उसने कर ली यहाँ पे पॉप, बट अब एक या दो स्मोक बॉल्स और बनाने पड़ेंगे वरना रैंडम स्प्रे में ख़त्म हो जाएगा। LEFB के प्लेयर जैसे देख सकते हो वहाँ पे रैंडम फायर कर रहे थे हाइड्रा बश्मा पे, तो ZFX का पूरा स्क्वाड है राइट साइड में। ओके मेगा फाइनल बॉस, मेगा का भी अकेला बंदा बचा हुआ है। ब्रॉलर्स इज गोइंग स्ट्रॉन्ग इन दिस गेम यार, टॉप 6 में वो लोग हैं अभी एंड सिर्फ 11 बंदे अलाइव हैं। सो एक ZFX टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है, किंग यहाँ पे नॉकडाउन हो सकता है। ZFX के 3 प्लेयर अलाइव हैं, ब्रॉलर के 4 हैं, इवल का 1 है, मेगा का 1 है, हाइड्रा का 1 है, पेन का भी 1 है। स्मोक बॉल्स बना रहे हैं यहाँ पे हाइड्रा बश्मा अपने लिए। लेट्स सी, ऊपर से देख सकते हो यहाँ पे ड्रोन शॉट्स है, दो बंदे इवेल पेन वो अपने आसपास राइट एंड लेफ्ट में बैठे हुए एक दूसरे के, एंड छोटा सा रिज है वहाँ पे। इस वाले एयर ड्रॉप में हमारे पास यहाँ पे MK14 है, बट मेरे को नहीं लगता कोई लेगा। मेगा फाइनल बॉस ने ब्रॉलर डार्क को नॉकडाउन करे, दैट्स व्हाई मेगा बॉस को शायद पता चल गया नोवा यहाँ पे M249 पुश कर रहे हैं, बट नोवा को यहाँ पे नॉकडाउन मेगा फाइनल बॉस ने, एंड ही इज लिटरली सर्वाइविंग ऑन दैट 1 HP, बट पीछे से आइकॉनिक का कवर फायर आया एंड He got that guy, Mega Final Boss. Noah वहाँ पे pre-fire देता हुआ जा रहा था M249 से. He also can't believe that कि वो मरा कैसे नहीं. क्या पता crossfire जो crosshair रहता है वो शायद right या left चला हुआ कहीं पे. But Noah को fully and brawler के फिर से चारों बंदे जिंदा हैं. Random nades आ रहे हैं यहाँ पे ZFX की side से. Demon King थोड़ा सा ज़्यादा close चला गया brawlers के पास. Pot हुआ तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे. पेन के बंदा यहाँ पे शॉट कर लिया, इविल का बंदा डाउन पेन पे। अब पेन के बंदे को भी जो कोल्ड ब्लड है, शायद कोल्ड ब्लड ही है यहाँ पे, उसको भी जोन में जाना है। उसने अपने आप को फोर्स्टेड करा, 75% हेल्थ निकाल ली अपनी। इट्स बेसिकली 3v1v1v4, तीन बंदे ZFX के। हाइड्रा बश्मा अभी भी जिंदा है, लाइक कब से जिंदा ये बंदा, अकेला अपनी टीम को टॉप 5 तक ले गया है वो। पेन क्लोवर कोल्ड ब्लड भी वहां पे सामने से आ रहे हैं। ZFX डीमन किंग वहां पे देख रहा है स्मोक बॉल्स बने तो कोई और कोई प्लेयर तो आ ही रहा होगा वहां से, बट फाइनल जोन में ऐसे बहुत प्लेयर्स बेट भी करते हैं, लाइक रैंडम स्मोक फेंक देंगे, बट मेरे ख्याल से पेन कोल्ड ब्लड पॉट रहेगा। जोन भी आ रहे हैं धीरे धीरे आगे, डीमन किंग स्पॉटेड है एज ए सेट कि बहुत ज्यादा आगे था स्पॉट करा था, एंड स्नेक डीमन किंग को नॉक करें। चारों बंदे ब्रॉलर्स के प्रोन है अभी, इनफैक्ट सारे बंदों को प्रोन रहना पड़ता है यहाँ पे, बिकॉज फाइनल जोन है, कहीं से भी खड़े रहे तो पता नहीं
कौन सी टीम कहाँ पे होगी एंड कहाँ से बुलेट्स आ जाएंगी. एंड जीजीज टू आई थिंक हाइड्रा बिश्मा स्टिल ही इज टेकिंग हिज टीम टू टॉप थ्री यार, लाइक ही इज डूइंग वेल. नोवा के पास यहाँ पे M24 है, M249 है यहाँ पे विथ 100 बुलेट्स, लाइक कुछ भी कर सकता है, पूरा स्क्वाड लेटा सकता है वो यहाँ पे एक साथ. M249 OP बॉयज. उसने नोवा ने देखो यहाँ पे होशियारी क्या करी है, उसने बैकपैक फेंक दिया क्योंकि वहाँ पे वो इजीली स्पॉट ना हो. सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल गेट टू नो इन कॉम्पिटिटिव मैचेस. नोवा ने यहाँ पे पेन कोल्ड ब्लड को नॉक डाउन करा. ओके शायद हाइड्रा बेशमा मर गया था, पेन कोल्ड ब्लड अकेला बचा था टीम में. सो हाइड्रा यहाँ पे #4 आई थी. फ्रॉस्ट नॉक डाउन है. ZFX किंग वहाँ पे एक मोलोटोव फेंका उसने, अच्छा मोलोटोव है वो, शायद आइकॉनिक को डैमेज पड़ रहा है मोलोटोव से. ब्रॉलर डार्क को उसने नॉक डाउन करा, बहुत प्यारा मोलोटोव था वो ZFX किंग से. आई थिंक ZFX ने यहाँ पे दिक्कत खड़ी कर दी है. नोवा अकेला बचा है, रश हो रहा है ZFX किंग यहाँ पे निकाल गया. दैट मोलोटोव पी आर ZFX